La 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 la. आज मैं आपको एक भारतीय लोक कथा सुनाऊंगी, तो आओ सुनो कहानी तीस मार खां। दूर पहाड़ पर एक गांव था। गांव एक बहुत बड़े राज्य का हिस्सा था। उस छोटे से गांव में रहता था टपरू, और टपरू बांका जवान। मगर उसमें बांके जवान शेर जैसी कोई बात नहीं थी, वो निहायत ही डरपोक आदमी था। एक दिन टपरू के राज्य में 30 डाकुओं ने आतंक मचाना शुरू किया। भैया, डाकुओं ने आतंक मचाया और टपरू जी ने चुपचाप घर में बैठना ही मुनासिब समझा, घर से निकलना बंद कर दिया। ना जाने वो निकले और वो 30 डाकू उनको धर दबोचे। लेकिन जब एक दिन टपरू की अम्मा ने बोला, अरे टपरू, जरा बगल गांव जाकर मामा को ये संदेशा दे आओ, तो टपरू जी क्या करते, निकल पड़े। अब टपरू धीरे धीरे चल रहे थे, अलसा रहे थे, लेकिन साथ ही उनको डर भी था कि कहीं 30 डाकू उनको ना पकड़ लें। इसी उधेड़बुन में चलते फिरते क्या हुआ कि हो गई रात। अब जब रात हो गई और रास्ता जंगल से गुजर रहा था, तो टपरू को लगा कि भाई कहीं जगह ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि रात, जहां पे रात गुजार सकूं, ऐसा ना हो कि जंगली जानवर मुझे खा जाए और या तो वो 30 डाकू मुझे पकड़ कर मार डाले। तभी टपरू को दिखी एक गुफा। वो गुफा थी तो बहुत गहरी, मगर उसका मुंह, उसकी जो मांद थी, वो बड़ी छोटी सी थी। टपरू ने झांक कर देखा तो उसको गुफा में दूर एक आग जलती दिखाई दी। उसको लगा यही सही जगह है, क्योंकि ना तो यहां जंगली जानवर आएंगे और शायद इस छोटी सी गुफा में कैसे 30 डाकू घुस पाएंगे। तो टपरू जी बस गुफा में पैर रखने ही वाले थे कि अचानक उनके कानों में कुछ आवाजें आई। अरे, उन्होंने और झांका तो देखा कि वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 30 डाकू चोर घुसे पड़े थे। उनके असले, उनका बारूद सब वहीं बिखरा पड़ा था, रखा हुआ था, और वो चूल्हे पे खाना बना रहे थे। दरअसल वो आग उन 30 डाकुओं ने ही लगाई थी खाना बनाने के लिए। अब टपरू अंदर तो जा नहीं सकते। टपरू गए डर, उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। बाहर जंगली जानवरों का डर, अंदर 30 डाकू। टपरू ने इधर देखा, टपरू ने उधर देखा, तभी उसको दिखाई दिया एक बड़ा सा पत्थर। उसने बड़ी हिम्मत करके उस पत्थर को गुफा तक वो ले गया और उस गुफा का मुंह बंद कर दिया। अब टपरू को लगा कि भाई वो 30 और मैं एक, अगर उन सबने जोर लगाया तो पत्थर तो हट जाएगा। हो ना हो मुझे वापस गांव जाना चाहिए, और हमारे ही गांव नहीं बल्कि राज्य के सभी बड़े गांव में भी ये बात फैला देनी चाहिए कि चलो सुबह चलना है और डाकुओं को पकड़ना है। टपरू तेज जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आनंद फानन में अपने गांव वापस पहुंचा। गांव से कुछ लोगों को इकट्ठा कर वो राजा के पास पहुंचा, और रास्ते में सभी गांव, छोटे मोटे, जिले, कस्बों को बोलता हुआ चला गया कि 30 डाकू आए, 30 डाकू आए, आ जाओ, बचना है तो आ जाओ। राजा के पास टपरू की पेशी हुई। उसने बोला, महाराज, 30 डाकुओं को मैं किसी तरह रोक कर आया हूं, आप अपनी सेना भेजिए और आपके सेना के वीर और मैं मिलकर उन डाकुओं का खात्मा करेंगे। राजा ने सुना, हाँ भाई, और बोला, जरूर, यह बड़ी गंभीर समस्या है राज के लिए। हम 30 डाकू का सामना करने के लिए पूरे 1000 सैनिक भेजेंगे। तो राजा ने उन 30 डाकुओं को, जिनको कि टपरू गुफा में बंद कर आया था, उनका सामना करने के लिए राजा ने पूरे 1000 सैनिक भेजे। आगे आगे टपरू, पीछे पीछे सेना, साथ में गांव के सभी लोग, मुखिया भी चला। सब लोग पहुंचे तो तब तक पोपट चुकी थी, सुबेरा हो चुका था। तो पूरी सेना तैनात हुई और 2 सैनिकों ने आगे बढ़कर गुफा से पत्थर हटाया। जैसे ही गुफा के मुंह से पत्थर हटाया गया और सैनिक अंदर घुसे, उन्होंने देखा, अरे, ये 30 के 30 तो दम घुटने की वजह से मर चुके। मगर उन्होंने अपनी अकल नहीं लगाई, तो टपरू ने मौके का फायदा उठाते हुए झट बोला, सेनापति, आपने देखा मैंने क्या सूझबूझ से काम लिया। मैंने जब सोचा कि ये 30 डाकू तो वही हैं जिन्होंने आतंक मचाया है पूरे राज्य में, मैंने झटपट एक बड़ा पत्थर किसी तरह, किसी विध, इस गुफा के मुंह तक लाया मैं उसको, और उसको बंद कर दिया, तभी ये मर गए। अरे, पास खड़े सभी लोगों ने, उन 1000 सैनिकों ने और सेनापति ने वाह 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 शुरू कर दी। फौरन सभी लोग राजा के पास गए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। अरे, राजा भी वाह वाह कर उठे, और राजा ने घोषणा की कि आज से टपरू, हम तुम्हें नाम देते हैं 30 मार हां, क्योंकि तुमने पूरे 30 डाकुओं को एक साथ निहत्ता मारा है, और ऊपर से हम तुम्हें अपने राज्य का, इस राज्य का सेनापति अध्यक्ष और सेना सलाहकार घोषित करते हैं।
भाई टपरू का औदा बढ़ गया और गांव में जहां जहां टपरू जाता लोग वाह वाह टपरू कैसे मारे तीस चोर हूं कह कह के उससे पूछा करते। टपरू जी बड़ा इतराते हुए मटकते हुए उछलते कूदते चलते। जैसे तैसे कुछ बढ़िया दिन बीते। टपरू इतना जाने पहचाने जाने लगे कि बगल गांव से उनके लिए शादी का प्रस्ताव भी आ गया। टपरू का ब्याह भी हो चला। अब एक दिन उस बड़े राज्य में फिर कुछ चोरों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। राज्य बड़ा था और धन दौलत अच्छी थी उस राज्य में, खेती बाड़ी भी अच्छी हुआ करती थी। तो जब आतंक मचाना शुरू किया, धीरे धीरे एक गांव, एक कस्बा, एक जिला, सभी गांव, तो लोग गुहार लेकर अपने राजा के पास पहुंचे। राजा साहब चोर फिर आ गए, आतंक मचाए, त्राही माम। तो राजा को लगा अब क्या करूं कैसे करूं। तुरंत सेनापति ने बोला, महाराज आप भूल रहे हैं, आप सेना के सलाहकार को बुलाइए, आप तीस मार खां को बुलाइए। राजा की आंखें चमकी, उन्होंने फौरन टपरू को बुला भेजा। अब टपरू के घर पे चार सैनिक गए, उसको बोला सेना के सलाहकार आइए आइए, राजा ने आपको बुलाया है। अब भाई टपरू था समझदार, वो जानता था कि राजा ने उसको क्यों बुलाया है, लेकिन वो गया डर। उसने अपनी पत्नी और अपनी मां से बोला, अगर मैं ना जाऊं तो राजा मेरा सर कलम करवा सकता है। टपरू ने बहुत सोचा, इधर जाऊं उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं किधर जाऊं। और फिर उसने अपनी मां और पत्नी से कहा, अगर मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा तो वो मेरा सर कलम करवा सकते हैं, और अगर मैं चोरों को पकड़ने निकल गया तो पक्का शर्तिया वो मुझे पकड़ कर मार डालेंगे। मरना तो दोनों सूरतों में है, क्या करूं। तो मां बोली, करना क्या है, राजा साहब ने बुलाया है उनके पास जाओ, अरे सेना के मुख्य सलाहकार हो। तो टपरू ने मां की आज्ञा ली, मां से आज्ञा ली और चल दिया राजा के दरबार में। टपरू जी राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने बोला, तीस मार खां, चार चोरों ने आतंक मचाया है पूरे राज्य में, केवल चार। अरे तुम तो 30 चोरों को मारने वाले हो, तुम्हारे लिए चार कौन बड़ी चीज है, अरे जाओ और जाकर उन पर फतेह हासिल करो। टपरू जी ने कह तो दिया, जी हां हुजूर, मगर टपरू जी अंदर ही अंदर कांप रहे थे, उनकी रूह कांप रही थी, उनकी हड्डियां भी डर से खटखटा रही थी, थरथरा रही थी। राजा के दरबार से टपरू घर वापस आया। उसने माँ को बोला कि कल मेरे लिए कुछ खाने का सामान तैयार कर दीजिएगा, मुझे सुबह होते ही चोरों के खोज में जाना है। टपरू सो गया। उसकी माँ ने सुबह होते ही उसको उठाया और उसको खाने की थैली पकड़ा कर बोला कि भाई विजयी भव। अब टपरू जी खाने की थैला लटकाए चले चोरों की खोज में। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, बहुत जगह ढूंढा, लेकिन चोरों को कहीं नहीं दिखे। और सच बताऊं तो टपरू तो चाहता ही नहीं था कि उसको चोर मिले, डर जो रहा था। चलते चलते वो थक गया, गर्मी का मौसम था, उसने पसीना पोंछा और एक पेड़ की छांव में थोड़े ठंडे माहौल में बैठ गया। अपने आप से बातें करता हुआ टपरू ने पोटली को खोला और टपरू ने बोला कि अच्छा, अम्मा ने कुछ रोट कुछ पुए बनाए हैं, पहले इनको खा लेता हूँ, उसके बाद कुछ और करूंगा, भैया पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। उसका ये कहना था कि फत से उस पेड़ से चार मोटे मुस्टंडे चोर नीचे कूदे। टपरू को डर लग गया, अरे उनको देख के बेहोश हो गया। चोरों ने आपस में देखा, एक दूसरे को देखा और फिर टपरू को देखा। एक ने बोला, मार डालो इसको, इसने हमें देख लिया। दूसरा बोला, अरे छोड़ो इसको, ये तो वैसे ही डर के मारे बेहोश हो गया, पहले इसका लाया हुआ खाना खा ले, उसके बाद इसका गला घोट के मार देंगे। चोरों ने फटाफट वो खाना खाया, मगर ना तो टपरू को, ना ही चोरों को और ना टपरू की अम्मा को यह पता था कि जब उसने चावल कूटे तो ओखल में सांप का एक बच्चा भी था। अरे चावलों के साथ वो भी कूट गया और उसका जहर पूरे चावल में फैल गया, यानी कि उन पुए में और पूड़ियों में पकौड़ियों में भी फैल गया। चोरों ने वो खाया और वो झटपट बेहोश होकर अंत में मर भी गए। जब कुछ देर बाद टपरू को होश आया तो टपरू ने देखा कि अरे ये तो सब मरे पड़े हैं। टपरू को यह तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, मगर उसने ऊपर वाले को बहुत धन्यवाद दिया और वो वहां से उठकर सरपट भागा वापस राजमहल। राजा साहब मैंने चार चोर मार गिराए, उसने बोला तो राजा और प्रजा हक्की बक्की रह गई। फौरन राजा साहब ने सैनिक भेजे और इस बार वो खुद भी साथ आए। आते हैं तो देखते हैं कि सचमुच उस बड़े पेड़ के नीचे चार चोर चित्त पड़े हैं। टपरू को एक बार फिर शाबाशी मिली, उसने वाहवाही लूटी
और सब लोग बहुत खुश हुए। टपरू की शान और बढ़ गई। अब वो और उछलता हुआ चलता हुआ गांव में घूमने लगा। कुछ दिन हंसी खुशी बीते कि एक बार फिर कुछ चोरों ने डाकुओं ने पूरे राज्य में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अरे इस बार जो चोर डाकू लुटेरे थे वो राज में तक ही नहीं रुके, वो घुस गए राजमहल के अंदर। जब राजमहल पर बात आई, जब राजमहल के अंदर डाका डाला गया, राजा साहब ने फौरन ऐलान किया कि भाई हमारे सुरक्षा सलाहकार को बुलाया जाए। तो भाई सैनिक चले टपरू के पास उसको बुलाने। टपरू ने सैनिकों की बात सुनी और एक बार फिर डर के थर थर कांपने लगा। अरे अम्मा से बोला, पत्नी से बोला, इधर जाऊं उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं? तो अम्मा एक बार फिर समझाते हुए बोली, बेटा अगर राजा के पास नहीं जाओगे राजा तुम्हारा सर कलम करवा सकता है। हद से हद क्या होगा, तुम डाकुओं की उचक्कों की खोज में जाओगे, वो तुम्हें मार डालेंगे, अरे तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। टपरू ने यह सुना और टपरू चुपचाप निकल पड़ा राजा के महल की तरफ। राजा के सामने पहुंचा तो राजा साहब ने बोला, हमारे सुरक्षा सलाहकार आ गए, टपरू 30 मार हां, हम चाहते हैं कि तुम उन चोर उचक्कों की खोज में जाओ और उनको मार गिराओ। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई, उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो राजमहल में डाका डाले? टपरू ने सर झुकाकर बोला, जी हुजूर, और चुपचाप फिर से डरते हुए अपने घर वापस आया। अब जब घर आया तो उसकी मां ने पूछा, बेटा हुआ क्या? टपरू ने बोला, होना क्या है, सुबह के लिए रोटियां बना देना और बस मैं निकल पड़ूंगा खोज में। सुबह हुई तो प्यारी माँ ने टपरू को उठाया, उसको चाय पूछी और उसके बाद उसको 100 रोटियां पकड़ाते हुए बोला, बेटा विजय भव। अब टपरू जी चले, रास्ता बहुत लंबा था, इस बार उनको कोई पता नहीं था कि वो चोर उनको कब और कहाँ किस मौके पर मिल जाएंगे, किस मोड़ पर मिल जाएंगे। टपरू जी जहां थकते थोड़ा रुकते, पानी पीते, 1-2 रोटी खाते, फिर आगे बढ़ते। 3-4 दिन इसी में निकल गए। अंत में टपरू जी आए घने जंगल की ओर। टपरू के पास बची थी 4 रोटियां। टपरू जी ने देखा कि एक टूटा फूटा मकान है। उनको लगा कि देखो भाई चोर डाकू तो बड़े महल में डाका डालते हैं, वो कहां इस टूटे फूटे मकान में जाएंगे। टपरू जी चुपचाप मकान के बाहर बैठे, उन्होंने अपना पोटली खोली और रोटी खाने ही जा रहे थे कि मकान के अंदर से आवाजें आई। टपरू चुपचाप उठा, दबे पांव गया तो पीछे खिड़की के रास्ते जाकर उसने देखा कि मकान में तो 5-6 चोर उचक्के बैठे हुए हैं। अरे उनके पास असला बारूद बम बंदूकें पड़े हुई हैं, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, लाल लाल आंखें हैं, वो मोटे ताजे हट्टे कट्टे लोग हैं। टपरू गया डर, टपरू थर थर कांपने लगा। उसने सोचा, भगवान अब की बार तो मैं जानता हूं कि आप ही शायद बचा पाए मुझे। ये बड़बड़ाता हुआ, मनी मन कुछ कुछ बोलता हुआ टपरू वापस पेड़ के नीचे पहुंचा और मकान के बाहर ही धीरे से बैठकर सोचा, मरना ही है तो खा पी के मरूं, अरे ऊपर भूखा तो नहीं जाऊंगा। उसने खुली हुई पोटली में देखा कि केवल 4 रोटियां बची हैं। उसने बोला, एक खाऊं, दो खाऊं, 3 खाऊं कि 4ों खा जाऊं। उसकी बातें सुनी, आवाजें सुनी तो अंदर बैठे चोरों के कान सतर्क हो गए, खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि हो ना हो ये उसी दिग्गज, उसी महान 30 मार हां की आवाज है। अरे वो रोटी नहीं, वो खाना नहीं, वो जानवर नहीं, वो इंसान भी खा सकता है, हो ना हो वो हमें खाने की बात कर रहा है। अब वो चारों चोर डर के मारे चुपचाप बैठ गए, असला बारूद लूट का सामान सब वहीं छोड़कर एक कर कर एक एक के बाद एक वो खिड़की से बाहर निकले और चुपचाप दबे पाँव वहां से निकल लिए और ऐसा भागे कि उन्होंने कभी भी मुड़कर उस राज्य में घुसने का नाम नहीं लिया। अब जब टपरू ने 4ों रोटियां खा ली तो उसको अंदर से आवाज आना बंद हो गई। उसने धीरे से पीछे खिड़की की ओर जाकर देखा, मकान खाली, अंदर सारा लूट का सामान असला बारूद पड़ा हुआ। फौरन भागा, राजा को बताया और राजा को साथ लेकर आया। राजा एक बार फिर खुश हुए, उन्होंने टपरू की पीठ ठोकी और उसकी वाह वाह करी। टपरू जी एक बार फिर खुश, उनकी जय जयकार हुई और टपरू के आतंक से, 30 मार खां के आतंक से कभी भी उस राज्य में दोबारा डाका नहीं पड़ा। ला 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 ला